गाइस वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस जो कल हमने टॉपिक लिया था, मुझे उसी में ना काफ़ी टॉपिक और ऐड करने थे। उसमें थोड़ा डिटेल मुझे जाना था, बट वही रीडिंग लगभग 1 घंटे की हो गई, तो अब मैं उसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर देखिए मतलब अगर ये नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो इस टॉपिक को ऐसे ले सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया था और उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया था। ये टॉपिक मैंने अभी इसके पहले ही वो वीडियो मैंने डाला है, तो आप न्यू व्यूवर्स है तो वो भी रीडिंग मेरी देख सकते हैं। हाँ, रीडिंग थोड़ी लंबी है बट काफ़ी क्लैरिटी आपको उस रीडिंग से मिल जाएगी। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स है तो आप ये बात समझ जाएंगे कि इसके आगे मैं क्या लेके जा रही हूँ, कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया था ना, उनको क्या कर्मा मिला है आपके साथ गलत करने के बाद, उनके साथ क्या हुआ है, और अभी इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कर्मा मिलने के बाद वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और अभी ये पर्सन अगर चाहते हैं आपके साथ कोई नया यूनियन, चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, क्या करंट एनर्जी है, इससे करंट एनर्जी देखेंगे, इससे नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। तो अगेन ये भी रीडिंग काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आपको ओपन माइंडेड होकर, आपको सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखनी है, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और इसमें हो सकता है कि आपके साथ तो गलत हुआ है तो थोड़ी थोड़ा गलत ही, मतलब वही पेनफुल एनर्जी आ जाएगी इसमें, क्योंकि जो हुआ है आपके साथ वही यहाँ पे इंडिकेट होगा। तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही चीज़ों को देखना है, उसी तरीके से आपको समझना है। तो मैं अभी एंजल की गाइडेंस के लिए मैं कार्ड निकाल रही थी, ढूंढ रही थी, और हाँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ऐसे ही लेना है। हमेशा की तरह बोलती हूँ, किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन नहीं लेना है, एंजल की गाइडेंस भी हम लोग लेंगे। ओके, तो सारे डेक लगभग क्लीन्स हो गए हैं। एक्चुअली मैं क्लीन्स करके ही बैठी थी बट वो आदत हो गई कि आपके सामने भी क्लीन्स कर लूँ, ताकि कोई निगेटिव एनर्जी आती तो हट जाए। इतनी क्लियर कट रीडिंग निकालती हूँ गाइस मैं, इतने सारे सबके सिनेरियो बताती हूँ, फिर भी लोग पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं कि कंफ्यूज है रीडिंग, या तो उनको मेरी रीडिंग समझ नहीं आ रही कि नहीं तो कि मेरे किसी भी सिनेरियो में बोल रही हूँ वो शायद उनके लिए नहीं होंगी। तो मैं उनको बोलूँगी कि भाई मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया था ना, उनको उसका क्या कर्मा मिला था। आर्कएंजल माइकल आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए और हमेशा की तरह हमारी हेल्प कीजिए। और सबसे पहले मैं आपका बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल आपको मैं अदा करती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू आर्कएंजल माइकल। आज भी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप आइए और इस गाइडेंस में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जो गाइडेंस देनी है उसमें मेरी हेल्प कीजिए। ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ कि जो मेरे दर्शकों के साथ इनके पर्सन ने कुछ गलत किया था, तो उसका उनको क्या कर्मा मिला है, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जिनके लिए इन्होंने सब कुछ किया था ना, अगर किसी आप फीमेल देख रहे हो और आपके पर्सन ने किसी फीमेल के लिए ऐसा कुछ किया था, कोई थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी के वजह से इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, बहुत मैनिपुलेटिव गेम आपके साथ खेला था, वही सेम गेम इनके साथ भी खेला है। जिस भी पर्सन से आपके पर्सन डील कर रहे थे वो एक सिंगल पर्सन होंगे, विडो है या फिर डिवोर्सी है, मेल फीमेल आप कोई भी अपने हिसाब से देख लेना, मैं फीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट उनके साथ भी वही कर्मा हुआ है। ये पर्सन देखिए अपने ईगो में, अपने घमंड में आकर इस पर्सन ने आपके साथ सारी चीज़ें की थी, ठीक वही वही बर्ताव इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने उनके साथ किया था। ये जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थी, ये तो थी, और खुद के बारे में ही सोचना, खुद के बारे में ही चीज़ें थर्ड पार्टी ने की थी, और आपके पर्सन को वहाँ जाने के बाद समझ में आ गया है कि इनके साथ ये किस बात का कर्मा मिला है। ईगो ईगोइस्टिक तो आपके पर्सन भी है और ईगोइस्टिक थर्ड पार्टी भी है, पर जब इनको उनका उनसे सामना हुआ और उनको जब वही एटीट्यूड मिला जो इन्होंने आपके साथ दिया था,
फिर आपके पर्सन की शुरू हो गई जर्नी की, भाई किस तरीके से अपने आप को मैं बचा लूँ, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, वही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ के चली गई। आपके पर्सन के साथ खेल लिया जितना खेलना था, और उसके बाद उसने आपके पर्सन को डिटैच करके रख दिया। उन दोनों की रिलेशनशिप में देखिए, यहाँ पे एक 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 से तो कब जा रहा और एक से तो इवेंट जा रही, तो किसी एक क्योंकि इमोशन बिल्कुल भी नहीं थे इसमें, सिर्फ एक मैनिपुलेटिव तो बहुत रही होंगी थर्ड पार्टी, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, और आपके पर्सन सुनते भी है थर्ड पार्टी की सारी बातें, आपके पर्सन इनसे प्यार करते हैं। देखिए आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी के भी अलावा मुझे लगता है कि और भी लोग हैं, फीमेल ही है। अब ये इनके माँ बहन फ्रेंड कुछ भी हो सकते हैं, बट एक बड़ी प्यार से बात करती है और एक थोड़ा तीखी बात करती है, और एक तो बस अपने ब्यूटी से रिझाती जाती है। आपके पर्सन कितने लोगों से डील करते हैं मुझे नहीं पता, बट यस, या तो आपके पर्सन के साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उसके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि देखिए ये बहुत कंट्रोलिंग है, और आपके पर्सन ये तो कुछ भी करे थर्ड पार्टी, बट आपके पर्सन उसी उसी के साथ रहना पसंद करते थे, बट उन दोनों में भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था। अब ये आपके पर्सन है कि जब आप भी इनके हाथों से चले गए हो, इस बात का इस आपके पर्सन को बहुत ग्रजिस हुआ है, बहुत बुरा फील हुआ है, बट देखिए अब हाथ में कुछ नहीं बचा है, तो यही सही, ऐसा करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी से काम चला रहे, जबकि थर्ड पार्टी पूरा अपना कंट्रोल अपना रौब जमाती है आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन इमोशंस के हाथों मजबूर है, इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ हर सुलह कर लेते हैं। बट जब भी पर्सन अकेले रहते हैं तो इनको अपनी गलती का एहसास डेफिनेटली होता है, इनको बहुत सारा ग्रज होता है, इनको लगता है कि कोई ऐसा था मेरे भी लाइफ में जो मेरे लिए प्यार का कप सर्व करता था, और जब मेरे पास इतना सब कुछ था तो मैंने उसको देखा नहीं, और मैं जहाँ गया इस पर्सन को छोड़कर। देखिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा भी होगा, या फिर आपकी होती थर्ड पार्टी को लाया भी होगा ना, तो उन्होंने बहुत ही बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, क्लेवरली इस पर्सन ने आपको पटाया तो नहीं बोल सकते, बट कन्विंस किया होगा, या फिर आपको उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ वो आपका और उन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोला होगा, मजबूर किया होगा। क्या आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ा? ऐसा कुछ ब्रेन गेम, ऐसा कुछ मैनिपुलेटिव गेम आपके पर्सन ने आपके साथ खेला है, बट आपको डिटैच करके थर्ड पार्टी के पास तो चले गए, बट वहाँ जाने के बाद उनको समझ में आता है कि भाई ये तो प्यार करते हैं, बट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, उसको अगर कुछ देखती थर्ड पार्टी तो सिर्फ अपना देखती है, मुझे अपना रास्ता कैसे क्लियर करना है, इतना ही कुछ लगता है। और जब थर्ड पार्टी को जैसे ही लगा भाई कि इसका लाइफ कहीं और सेफ है, कहीं और सिक्योर है, तो शायद थर्ड पार्टी इनके लाइफ से चली गई है, इन दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही पैशनेट भी फील करते और प्यार भी बहुत करते थे, क्योंकि आपके पर्सन को लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ उसकी विक्ट्री है, बट जिसके पास से अपना प्यार के कप लेके गए थे वो इनके लाइफ से चली गई है, और ये पर्सन उस तब से अकेले हैं। इनको अब याद आ रही है आपकी सारी क्वीन, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप भी आ गई, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स भी आ गई, क्वीन ऑफ कप वैंड्स भी आ गई है, क्योंकि अब ये क्वीन ऑफ सोर्स ही क्वीन ऑफ वैंड्स बन चुकी है। आपको डिटैच कर दिया इन्होंने, आपका जो हुआ सो हुआ, बट उसके बाद आप भी बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आप अब इस पर्सन का अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते, ये आप भी लगती हैं आपकी एनर्जी की भाई आपको अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो एम्परर था उसने एक वक्त आपको छोड़ के चला गया था, अब आपने उसके लाइफ में कोई एंट्री रखी नहीं है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसने आपको दिया था उससे आपको तकलीफ बहुत हो गई थी, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और शायद आप इस सेपरेशन के साथ कंफर्टेबल हो गए, आप अपने पावर में आ चुके हो, आप अपने सेल्फ लव में आ चुके हो, आपकी लाइफ अपने हर तरीके से सक्सेसफुल बना ली है। और अब ये पर्सन जब देखता है कि भाई इसके साथ वो कर्म हो चुका है जो इन्होंने आपके साथ दिया था, और उसके बाद आपका ये जो एनर्जी हो गया है, तो उसको बहुत वो कंफ्यूज भी है और लॉस्ट भी फील करता है,
और फिर आपको लेकर अट्रैक्शन भी होता है, आपको आपके पास भी आना चाहता है। और जब आप भी उसको नहीं कोई भाव डाल रहे हो, आप कोई घास नहीं डाल रहे हो, इस पर्सन के सामने एक ही ऑप्शन बचता है, भाई फिर चलो थर्ड पार्टी से काम चला लेते हैं। बट वो भी तो नहीं इसको आप ज़्यादा कर रही, वो अपनी शार पे ना चाह रही, इसको मदारी होता है। वैसे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, इनके साथ क्या कर्मा हुआ है जी? ये पर्सन भाई प्यार करने वाला तो पर्सन था, इन्होंने अपना सारा प्यार कहीं और ही लुटा दिया है। इनके प्यार के साथ तो खेला गया है, इनके प्यार के साथ उसी तरीके से खेला गया है। मैजिशियन के एनर्जी में आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो लग रही है, और किंग ऑफ कप के एनर्जी में आपके पर्सन मुझे लगते हैं कि आपके पर्सन के भावनाओं के साथ तो सामने वाले ने बहुत अच्छे तरीके से खेला है और बाद में रिटायर भी करके रख दिया है। ये तो पेंटेकल लेके बैठे, थर्ड पार्टी क्यों थी आपके पर्सन के लाइफ में? सिर्फ पैसे के लिए थी। धीरे धीरे करके उसने आपके पर्सन के ऊपर तो पूरा कंट्रोल जमा ही दिया। देखिए एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्स, और जब उसको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल गया, जैसे कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर तो पैसा काफ़ी खर्च किया है, और जब आप थर्ड पार्टी का भर चुका पेट, तो अब इसको आपके पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने आपके पर्सन को डिटैच रहना, इनको इको से बिहेवियर करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप पेट यहाँ पे भर चुका है, अब हमको यहाँ से कुछ लेना देना है नहीं। सुनो फ्रेंड्स, कहना जी क्यों है क्वीन ऑफ फैंस एंड सन, यहाँ पे ये भी बात मुझे लग रही है, आपके पर्सन को लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ जैसे रहेंगे तो उनको अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, वो स्टेबल फाउंडेशन उनको मिलेगा, वो खुशियाँ मिलेंगी, थर्ड पार्टी के साथ ही अपना रिश्ता बड़े अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। और आपके पर्सन ने वो कुछ भी बिहेवियर करे, वो में रहे, आपके पर्सन को डिटैच करे, सेल्फिश रहे, बट आपके पर्सन का हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई ऐसा रिश्ता था जिससे जिससे उनके किड्स हो गए। तो ये थर्ड पार्टी तो जी बहुत ही कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, और मुझे फ्लर्टिशियस एनर्जी लगती है थर्ड पार्टी की, एक से ज़्यादा ऑप्शन के साथ खेलना। बट आपके पर्सन को वो रिश्ता बचाना है, आपके पर्सन को अगर कोई कीड़ है थर्ड पार्टी के साथ तो उनका फ्यूचर बचाना है, इसीलिए आपके पर्सन उस रिश्ते को लेके चल रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी पूरे अपने कंट्रोल में, अपने पावर में है। और आपने आपके पर्सन ने कोशिश बहुत की बट उसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं है, उसमें ब्रेकअप हुआ। सिर्फ दिखाने के लिए हो सकता है लोगों के सामने कि रिश्ता बहुत स्टेबल है, इसमें बहुत स्टेबिलिटी है, सब कुछ हैप्पीनेस है, सब कुछ खुश है, इन दोनों में बहुत प्यार है, बट शायद इससे दिखा भी का प्यार है, अंदर जो कुछ भी था ये आपके पर्सन ही पता है, उनको पता है। हो सकता है दिखाने के लिए लोगों के सामने, समाज के सामने इनका अच्छा खासा मैरिड रिलेशनशिप हो, सब कुछ हो, बट अंदर से रिश्ता पूरा टूट चुका है। यहाँ से किसी एक ने इमोशनल कम्प्लीटली विड्रॉ कर लिया है, इस रिलेशनशिप में इमोशन दिखाई जा रहे हैं नहीं। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वैंड्स, जी हाँ, रिश्तों में दूरियाँ तो बन चुकी हैं, या तो फिजिकली दूरियाँ आ चुकी है या फिर मेंटली दूरियाँ आ चुकी है। पर्सन की ओर से कोशिश हो रही कि इस रिलेशनशिप में फिर से वो एक्शन आए, थर्ड पार्टी अपना कुछ एफर्ट नहीं डाल रही। यहाँ फ्रेंड्स कहना जी क्यों है, क्योंकि बचा कुछ आप यही रिश्ता आपके पर्सन के हाथ में है। अब आपके जब मैं आपके लिए करंट एनर्जी निकालूंगी ना, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि जी हाँ, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, सब कुछ आपके पर्सन लेके बैठे हैं। फाइनेंस ही मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल एक बेस है। रिश्ते की इन्होंने शुरुआत कर दी, जो कुछ हुआ सो कुछ हुआ, चलो अब होने से तो कुछ होगा नहीं, टाइम तो नहीं बदलेगा, बट जितना रिश्ता बचा है उसको अच्छे से लेके जाए, इस समझदारी के साथ, इस सोच के साथ इस रिश्ते में शुरुआत हुई है। आपके पर्सन ने अप्रोच किया है और थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने रिश्ते की शुरुआत की, क्योंकि इतना होने के बाद जब आपके पर्सन ने सोचा कि भाई आप तो चले गए, आपको तो उन्होंने निकाल दिया, फिर जिनके लिए गए वहाँ तो इतनी सारी इनकी फट गई है, तो अब क्या करेंगे, तो इन्होंने थोड़ा बहुत इनको पेन हुआ सब कुछ, पर बहुत सोच विचार के साथ आपके पर्सन ने सोचा कि चलो कुछ है नहीं, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो मिल जाए, इसीलिए कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ। उस रिश्ते में काफ़ी टाइम तक उन्होंने विक्ट्री बना ली है, बट अंत में क्या होगा ना, अंत में फिर से सेपरेशन ही। थर्ड पार्टी टॉक्सिक है तो टॉक्सिक ही रहेंगी, अगर वो सेल्फिश है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है, कुछ कर्मा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ,
इस वक्त तो सेपरेशन मोड चल रहा है, इनको उनके किए का पूरा कर्मा मिल चुका है। कर्मा के दो कार्ड वहाँ पे आ चुके हैं, क्वीन ऑफ फैंड है यहाँ पे, टेम्परेंस है। ये पर्सन उसको जैसे तैसे कर से बैलेंस कर रहे थर्ड पार्टी को, कर्मा तो मिल गया, मिल रहा है इनको, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी कमिटमेंट रिलेशनशिप में चले गए थर्ड पार्टी के साथ, या फिर इनको ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ था और वहाँ पे ऐसा कुछ होने के बाद इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता बनाया था। और जब आपके साथ रिश्ता बनाया होगा तो आपको कुछ ना कुछ उन्होंने स्टोरी डेफिनेटली बताई होगी और आपने उन पर भरोसा रख दिया। शायद आप भी प्यार की तलाश में थे, आपको भी एक प्यार चाहिए था अपने लाइफ में। कुछ बातें हुई, कुछ कमिटमेंट हुआ, कुछ इश्यूज हुए, ये सब पता नहीं आ रही ये बातें, बट उसके बाद आपके पर्सन मुकर गए। अगर इनको ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप था तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और कमिटेड रिलेशनशिप में था तो ये पर्सन आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए और वहाँ पे इन्होंने शायद शादी बना ली और वहाँ पे इनको रिश्ता निभाना पड़ रहा है क्योंकि शायद जिम्मेदारी बच्चों की आ गई है। अब देखते हैं कि ये पर्सन इतना होने के बाद अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ग्रजेस तो हो रही, इनको तो लॉस लॉस फील तो इनको हो रहा है। ये तो लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ लॉस कर दिया है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, ये मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं जी, कंपेयर कर रहे हैं आपको जिसके साथ भी है ना, उनको और आपको कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करने के बाद वो उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो फंस गए, ये कहाँ लटक गए। लवर जी रियलाइज हो रहा है इनको प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जब ये अकेले रहे लटके उस रिलेशनशिप में, तब जाके इनको समझ में आ रहा है कि भाई आप क्या थे, आप कैसे पर्सन थे, आप कैसे प्यार करते थे। अब दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बहुत अच्छा, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स इक्वल गिव एंड टेक था। तो अब दोनों के रिलेशनशिप में आप बहुत प्यार करते थे अपने पर्सन को, तन मन धन से आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया है। अब ये पर्सन तो देखिए क्या ही मैं बोलूँ, शुरुआत चाहते आपके पर्सन अपने अपने लाइफ में जो कुछ भी था जी, हिडन सीक्रेटिव जो कुछ भी था, सोच विचार बहुत कर रहे, और थिंक बहुत कर रहे पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में पर्सन आना चाहते। शायद इस पर्सन को ये पता है कि आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इस पर्सन ने भाई आपको आपको जगलिंग में रखा था, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी ये लेके आए और आपको इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने हैंग रखा था, बट अब ये पर्सन बैलेंस करना चाहते इस रिलेशनशिप में। कंपेयर करने के बाद इस पर्सन को पता चल रहा है, ये कंपेयर करने के बाद इस पर्सन को पता चल रहा है कि भाई आपने इनको इस रिलेशनशिप में कितना इक्वल गिव एंड टेक दिया था, कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी आप दोनों के। तो ये सारी बातें इस पर्सन को रियलाइज होती है, तब समझ में आता है भाई इन्होंने इस तरीके से आपको लटका के रखा है, अब इनको इस रिश्ते को बैलेंस करना है, इनको इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आपसे वो एक फिजिकल सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं। जो कंपैशनेट आपका रिलेशनशिप है ना, पैशनेट कंपैशनेट रिलेशनशिप है ना, वो कंपेयर करने के बाद इनको कहीं और नहीं मिल रहा है। इन्होंने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी पता नहीं कितनी पार्टी लाई, बट आप में जो बात थी वो कहीं नहीं मिली। ये पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे, बहुत सोच विचार कर रहे, सोच समझ कर ये पर्सन एक एक्शन ले रहे, तब तक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि इनको आपके लाइफ में अब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनको देना है। इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी डेफिनेटली, बट आपके रिलेशनशिप में मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे, नहीं, थर्ड पार्टी को साथ में रखकर आपके पास फिर से आएंगे, पहले जैसे थे वैसे ही। बट हो चुका था कि आप उस रिलेशनशिप में भी एक्सेप्ट हो चुके होंगे कि चलो थर्ड पार्टी को भी रुको, हमको भी रुको, बट बाद में थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ आपके पर्सन के ऊपर कर दिया कि आपके पर्सन ने आप ही को उस रिलेशनशिप से निकाल दिया, जब आपने अलाउ किया था उनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ, और आप ही को उस रिलेशनशिप से इन्होंने निकाल दिया बाहर। बट अब ये पर्सन वापस आपको इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिनके पर्सन कहीं और मैरिड है और आप सोच रहे कि अपना मैरिज छोड़कर ही आपके पास आएंगे। तो मैं पहले ही बता दूं ऐसा कुछ नहीं, अपना मैरिज रिलेशनशिप रखते हुए ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आप मानते हैं नहीं मानते आई डोंट नो, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इनको आपके साथ इस रिलेशनशिप में शुरुआत करनी है, क्योंकि जो पैशन इनको आपके साथ रिलेशनशिप में मिलता है, जो सुख जो आनंद मिलता है वो इनको कहीं नहीं मिलता है।
वो सिर्फ ये बात यहाँ पे सिर्फ उस रिलेशनशिप की नहीं आ रही, सेक्सुअल रिलेशनशिप की नहीं आ रही, यहाँ पे बात इक्वल गिव एंड टेक की भी आ रही। हो सकता है आपने इस पर्सन के इमोशन वाइज सब कुछ वाइज आपने इस पर्सन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, इनको बहुत अच्छे से समझा है, इनके हर दर्द में हर तकलीफ में आप रही हो। ऐसा नहीं कि इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और आप फिजिकली गए और आपने इनको बहुत कुछ दिया। यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स है कि इन्होंने इमोशनली बहुत सपोर्ट दिया इस पर्सन को, और किसी किसी ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट की है। तो जब भी ये पर्सन किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो इनको तुरंत आपकी याद आती है, क्योंकि जिस रिश्ते के पास से छोड़ के गए थे आपको, वहाँ से इनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है इनके लाइफ में वो बहुत इगोइस्टिक है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है। और 7 ऑफ कप के तो इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि शायद आपके लाइफ में अब कोई ऑप्शन आ चुका है। इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं आपने भी अपने रिलेशनशिप में कहीं नई शुरुआत तो नहीं की, आपके लाइफ में तो कहीं नया प्यार तो नहीं आ गया, किसी ने आपको अप्रोच तो नहीं किया, यहाँ तक ये पर्सन सोच रहे हैं। जितने जितने मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ भाई, तो आप पेंटिकल्स के एनर्जी क्यों होंगे। जी एम्परर ये पर्सन, हाँ अब बहुत सोच विचार करके डिसीजन ले रहे हैं, कंपेयर उन्होंने कर लिया है, एक फर्म डिसीजन पे ये पर्सन आ रहे हैं। जी हाँ, एक वक्त था बहुत ये पर्सन इनसिक्योर भी थे, जेलस भी थे, ट्रस्ट इश्यूज थे। ये पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ चुकी थी, और इस दौरान इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई और उन्होंने आप दोनों की रिलेशनशिप में और ज़्यादा दूरियाँ बढ़ा दी, और इसके कारण ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, आपको हैंग करके चले गए। अब ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको लेकर ये पर्सन थोड़े पॉजिटिव भी होते दिख रहे। और सॉरी टू से किसी किसी के पर्सन यहाँ पे मनी माइंडेड बहुत है, बट ये पर्सन देखिए ए सब कप यही तो एनर्जी होती है गाइस, इसीलिए तो बोलती हूँ कि हरकेंजे माइकल बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमें, बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस होता है। आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन, यही मैंने वर्टिकली लेके बोला था ना आपको, ऐसे ही मैजिशियन की एनर्जी, 111 की एनर्जी, 111 क्लेम कीजिए। जी जजमेंट हुआ है इनके साथ, कर्मा मिला है इनको, इनके किए का कर्मा मिला है। जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल दिमाग खेल खेल के आपसे इन्होंने निकलता रास्ता ढूंढा था ना, चलता रास्ता ढूंढा था ना, तो भाई उसी रास्ते से वापस आ रही, क्योंकि वो तो चले तो गए, फिर यूनिवर्स बोले अच्छा जी बच्चे मेरे बच्चे के साथ ऐसा खेला तूने, चल तुझे मैं भी बताता हूँ। तो ऐसा कुछ सिनेरियो इनके पास भी हुआ है, चुपचाप आप उसी रास्ते से वापस आते हुए दिख रहे हैं। जी तो पैंट्स की एनर्जी क्यों नहीं आ पाई इनको, तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं गाइस, ऑफर देंगे ये पर्सन आपको रिलेशनशिप की, लिविंग रिलेशनशिप की ऑफर दे सकते हैं, मैरिज के लिए नहीं बोल रही मैं, लिविंग रिलेशनशिप बोल रही हूँ। आ गया मैरिज भी आ गया, किसी किसी के लिए मैरिज की, अगर कोई अनमैरिड कपल देख रहे हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप वाले देख रहे हैं और आपके पर्सन चले गए थे, तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, पिंपलेम वाला कार्ड आ चुका है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, जी सेपरेशन मोड ने इनकी हीलिंग कर दी है, नेचुरल तरीके से हीलिंग हुई है, जो बोएगा वो पाएगा, वो सीनियर इनके साथ हुआ है। और आपका आपसे सेपरेशन और उनको मिले हुए कर्मा थर्ड पार्टी से इनका इनको काफ़ी है इनकी मरम्मत के लिए, तो हो गई इनकी मरम्मत, अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। हेल्थ इश्यू हो सकते हैं किसी किसी के पर्सन को, या फिर आपके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। टेम्परेंस, जी हाँ बैलेंस कर लेंगे, पर्सन अपने एक्शन में आ गए हैं, ये बैलेंस कर लेंगे, पूरी कंट्रोल। यहाँ पे भी मैंने बोला था आपको, इन्होंने एक फर्म डिसीजन ले लिया है आपके पास आने का, इस वक्त आपके बारे में सोच रही है सर कि नहीं इनको आपके लाइफ का एम्परर इनको बनना है, पहले कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे, अब इनको लेनी है। जी अगेन 11 11 की किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो रही है, 4 times 1 आ गया यहाँ पे, 11 11 कोशिश हो रही, शुरुआत करेंगे, छान लिया है, डिपेंड ऑन कि इन्होंने कितना कर्मा किया है। जी हाँ वही मैं बोल रही हूँ, कन्फ्यूज है बट सोच में पड़ जाते हैं, जैसे कि उठ ले ऐसे कि
तुरंत ऐसे उठ गई है, और उठ गए और उन्होंने बोले चलो मुझे जाना है, आ गए दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के पास आ गए, फिर सोच में पड़ गए, अरे यार मैं तो जा रहा हूँ बट अभी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेंगी, इतना तो सब कुछ मैं करके आ गया हूँ, फिर इसका क्या, फिर उसका क्या। तो सोच के दिमाग के घोड़े जितने फास्ट दौड़ते हैं ना, वही दिमाग उनको वापस इनको क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है। एक बात ये भी हो सकती है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके आपकी कहीं और शादी हो गई है, आपके आपका कोई रिलेशनशिप बैठ गया है, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में उनके लिए कि जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से इनका ब्रेकअप चल रहा है उनके लिए हो सकता है, क्यों आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी शादी फिक्स तो नहीं हो गई है, और किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि भी आपने अपने मैरिज रिलेशनशिप को फिर से एक चांस दे दिया है और आप उसमें ही अब ज़्यादा खुश तो नहीं है, और किसी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो भी इनके पास जाना है, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सोच विचार करते हैं बहुत ज़्यादा, बट ये पर्सन आप ही के साथ ही रिलेशनशिप का बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का मसला था, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आपके पास आ रहे हैं, इसको पीछे रखकर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, इनको अपने फैमिली को ही अपना टाइम देना है, अपने फैमिली को इनको हेल्थ वेल्थ बनाना है। जी लवर, मैं बोल रही हूँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, बट इस पर्सन को ऐसे भी लगता है गाइस कि आपके लाइफ में कोई नया ऑप्शन तो नहीं आ गया है, नया प्यार आपके शायद लाइफ में आ चुका है, और आप किसी नए रिलेशनशिप में खुश तो नहीं हो, आप किसी नए रिलेशनशिप में नए रिलेशनशिप को शादी तक तो नहीं लेके जा रहे हो, तो यही कंफ्यूज में ये पर्सन भी रहता है। अब आप उसके हो या नहीं हो, या फिर आप किसी के होने जा रहे हो, और ऐसा नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ वो रिश्ता बनाना बिठाना चाहता है, बनाना चाहता है, फिक्स कराना चाहता है। इसका कम्युनिकेशन रुक गया है यहाँ पे, वीडियो का टाइम देख देख कर निकलना पड़ता है क्योंकि और दो टॉपिक लेने हैं ना मुझे, इसीलिए बैठ जाओ तो मैं तो रात भर भी बैठे बोलते बोलते बैठ जाओ, कब से सोच रही थी अब रीडिंग निकालो, अब रीडिंग निकालो, टाइम ही कहाँ मिल रहा है, झूठ लगेगा आपको, मैंने टैबलेट ली, इतना सर दुख रहा था ना, मैंने टैबलेट ली, बदन दर्द भी हो रहा था, सर दर्द भी हो रहा था, टैबलेट ली थोड़ा अच्छा लगा, फिर आपके लिए वीडियो डालने के लिए मैं बैठ गई। जी देखते हैं इस पर्सन की करंट, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हमने देख लिया इनकी करंट एनर्जी क्या है आपके बारे में, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, हाँ नेक्स्ट एक्शन, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर, फूल जस्टिस, कितने कार्ड भी ऐसे सही आते हैं ना, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ हैंड्स, द मून, जी कुछ बातें हिरन है, एक्शन तो बड़ी अच्छी आ रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक लेके जाएगा, जस्टिस देगा आपको, नाइन ऑफ पैंट्स, मैंने बोला ना हिडन है कुछ बातें, भरोसा मत रखो, नाइन ऑफ पैंटिकस, ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर शादी कर ली आपको पता नहीं है, हो सकता है अभी तो बोलेगा भाई जस्टिस देना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बट फिर अपनी शादी की बात अपनी फैमिली जब आती है तो वापस ये पर्सन आपको क्या करेगा, अकेला करेगा, ये एनर्जी वापस ये पर्सन आपको कम से कम एक बार तो देने वाला है फिर से, प्रोटेक्ट करूंगा मैं, संभालूंगा, हम डेस्टाइन कनेक्शन है, हम डेस्टाइन पार्टनर है, मुझे आपको जस्टिस देना है, आप ही मेरे सब कुछ हो, पता नहीं आज मुझे लगता है मैं नंबर्स भी बता दूं, 11 नंबर, 5 नंबर, 10 7, 10 10 10 कितने बार, 3 बार आ गए, 10 10 10, 9 18 एंड 3, ये नंबर या तो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नहीं तो डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, फिर ये बोलेगा अगर ये कहीं और मैरिड है ना भाई तो आप इसके ऊपर जितना भरोसा मत रखो, मैरिड है और आपको बोल रहा है भाई हम आपको कमिटमेंट देते हैं, हम लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाएगा,
काफ़ी टाइम तक सेल्फ सिक्योर भी करेगा, डिफेंसिव रहेगा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बट यहाँ पे कुछ हिडन है भाई रिलेशनशिप में, जो छुपा है आपके नज़र के सामने नहीं आ रहा है, आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बोले एंजल्स ट्रस्ट इश्यू बहुत होने वाले हैं, क्योंकि चोरी छुपे ये पर्सन अपने फैमिली के साथ भी अपनी रिश्ता बनाए रखेगा, इनके साथ भी अपना क्वालिटी टाइम बिताएगा। आपको या तो पता है नहीं तो नहीं पता है। अगर आपको पहले से पता है कहीं और मैरिड है और इसके बाद आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, इसके लिए आप दोनों में कोई अनबन हुई है, कोई अभी भी सप्रेशन मोड चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट हुए हैं, और इस डिस्प्यूट के बाद जब इस पर्सन अकेला पड़ा है और उसको वो नहीं मिल रहा है, वो पैशनेट, वो बेबी शोना और वो केयरिंग नर्चरिंग वाला प्यार नहीं मिल रहा है, वो कंपेयर में पड़ता है, फिर उसको आपकी याद आती है, क्योंकि उसको वो एनर्जी चाहिए, अनकंडीशनल प्यार वाली इसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि वहाँ से इसको ईगो वाली एनर्जी मिलती है, आपसे अनकंडीशनल प्यार वाली एनर्जी मिलती है, तो फिर वो चाहिए। तो भाई ये पर्सन आता है बिल्कुल भोला भाला बनकर आपके लाइफ में आता है, आपके लिए तो भाई हम सब कुछ करेंगे, सब दुनिया छोड़ देंगे, हम कहीं भी आएंगे ऐसा कुछ करके आएगा, हमको आपको जस्टिस देना है, मैंने बहुत गलत किया, रियलाइज़ मुझे ये हुआ, अमकाना ढिमकाना टमकाना कुछ भी बोलेगा, फिर बोलेगा भाई मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहती हूँ, चलो भाई घूम के आए बाहर जाए, हम दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर है, इस पर्सन को सोलमेट एक्सेट्रा कंसेप्ट पता है, तो इस कंसेप्ट का भी फ़ायदा उठा लेंगे ये पर्सन, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में तो मैंने पहले बोल दिया इस पर्सन को। फिर भाई बहुत सेफ और सिक्योर आपको फील महसूस करवाएंगे इस रिलेशनशिप में, बट यहाँ तक अच्छी अच्छी गाड़ी जाती है, बट यहाँ से भाई गाड़ी पलट जाती है। क्या पलट जाती है गाड़ी? अगर ये कहीं और मैरिड है तो भाई ये वक्त आने पर आपको वापस अकेला छोड़ के चला जाएगा, आपको पहले से इस बात के लिए, आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पहले से ही इस बात को लेकर आप मालूम है, आपको ऐसा कुछ होगा, आप पहले से इस बात को लेकर कंफर्टेबल हो कि ऐसा हो सकता है, देन इट्स गुड, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इस पर्सन ने बहुत बार किया है, इसीलिए शायद आपको ये नहीं लग रहा है, बट अगर इस वक्त आने से जब ये पर्सन आएगा, आपको इतनी लंबी लंबी कमिटमेंट ये पर्सन देगा, और उसके बाद भी ये पर्सन अपने फैमिली के लिए आपको फिर से सेक्रीफाइस करेगा या आपसे फिर से दूरी बनाएगा, तो भाई ये एनर्जी तो आपको मिलेगी मिलेगी 10 ऑफ सोर्ड्स के, कि आप वापस फंस गए, आपको वापस बिट्रेल फील होगा, आपको वापस ब्रेकडाउन इन लव फील होगा कि मैं फिर से फंस गई। और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी ने तो इनका काम निकलने के बाद इनको कर दिया किक, अब किक मिलने के बाद ये पर्सन आते हैं भाई अपने वाइफ के पास, अपने हस्बैंड के पास, चलो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो भाई यहाँ पे जाएगा थोड़ा टाइम, अच्छा अच्छा जाएगा आपके साथ, 7 to 10 महीने का टाइम अच्छा अच्छा जाएगा, उसके बाद ये अपने रंग रूप फिर से दिखाएंगे। फैमिली रिलेशनशिप में होने के बावजूद ये पर्सन की कुछ हिडन रिलेशनशिप रहेंगे जिसका आपको पता नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे इतना भरोसा नहीं रखना है, वापस ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि ये अकेलापन फिर से देखे जाएगा और वही दर्द आपको मिलेगा। अब आप इनके बच्चों की माँ हैं तो भाई आपको तो ये रिलेशनशिप ऐसे लेके जाना है, क्योंकि आप तो नहीं छोड़ने वाली, ये तो छोड़ के जाता है, आप नहीं छोड़ के जाने वाले, आप तो लेके रहेंगे, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, आपको पहले से ही पता है कि ये ऐसा करेगा, आप इसी स्ट्रांग मेंटेलिटी से रहेंगे ना तो आपको दर्द नहीं होगा, ये आप एम्प्रेस क्वीन, ये महारानी बन के रहेंगे, मुझे पता था तो ऐसा ही कुछ करेगा, मैं बस चांस दे रही थी, मेरे बच्चों का बाप भी मेरे बच्चों की माँ, इसीलिए चांस दे रहा था, बट मुझे पता था कि तो ऐसा कुछ करेगा, इस मेंटेलिटी से आप रहने वाले हो। या फिर ये पर्सन के मन में कुछ अंदर से कि चलो ये तो मेरे बच्चों की माँ है, ये तो कहीं जाने से रही, मैं कुछ भी कर सकता, ये कुछ नहीं करेगी, फूल की एनर्जी क्यों दी है एंजल यहाँ पे? जी फूल को फूल ने क्लेरिफाई किया है, और फाइव ऑफ कप ने, आपको वापस फूल बना के जाएगा ये पर्सन, मिस करेगा इसीलिए आएगा, फिर अपना काम निकलने के बाद जाएगा, दो बार फिर वो लगेगा यहाँ पे, रिस्क टेकिंग लेगा, बहुत मिस कर रहा था, मैं अकेला नहीं रह पाता हूँ, तेरे बिना मेरी जिंदगी में तो बहुत शिकवा तो नहीं वो ऐसा कुछ है ना, तो ऐसा कुछ होगा, बहुत अकेला रह के देख लिया नहीं होता है, मुझे जस्टिस देना है, अगर आप इनके साथ फैमिली रिलेशनशिप में हो
तो अब मैं बहुत सोच विचार करके मैं आया हूँ। मैनिफेस्ट देखिए, पैसों के बारे मामले में सोचो ज़रा। तो भाई मुझे जस्टिस देना है, ये अपने फैमिली को लेके चलना है। और वन मोर थिंग, अगर आप इस पर्सन से डिवोर्स चाहते हो, अगर आप इस पर्सन से डिवोर्स चाहते हैं, किसी की रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गई, कोई डिवोर्स चाहते हैं, सोच समझ कर किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना है। सोच समझ कर, क्योंकि ये पर्सन कुछ थॉट लेके अपने दिमाग में आ रहा है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले इसके आप पहले तो इंक्वायरी कीजिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल वेल प्लान कर कर आ रहा है, बहुत सोच समझ कर आ रहा है, अपना दिमाग बहुत चला चला कर ये पर्सन आ रहा है। बोलने के लिए काफ़ी मीठी स्वीट टॉक करेगा। किसी किसी के पर्सन सच में जेन्युइन आ सकते हैं कि भाई सोचेंगे कि अब इनको अपनी रिलेशनशिप को कैसे बनाना है, जैसे सोचा था वैसे बनाना है। बट यहाँ पे पता नहीं किसके लिए वाई वाई, मुझे तुरंत आया जिसे मैसेज मैंने दे दिया। भेज आप कब जी माफ़ी मांगेगा ये पर्सन, माफ़ी मांगेगा, ये तो आया नहीं था, तो यही लूँगी मैं। ये पर्सन बहुत माफ़ी मांगेगा आपसे, शुरुआत करेगा रिलेशनशिप में। किसी के पर्सन जेन्युइन आ सकते हैं, बट यहाँ पे किसी के पर्सन की एनर्जी ऐसे आ रही है कि भाई ये दिमाग के साथ खेल कर कुछ गेम कर जाएगा। वो जस्टिस अगेन ये डिवोर्स का कोर्ट का भी कार्ड होता है। और नहीं तो ऐसा है कि वाकई में पर्सन आपको रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहता है, मैरिड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ सोच रहा है। यहाँ पे कुछ पर्सन के लिए आ रही है, क्योंकि ये माफ़ी मांगेगा और आपके साथ बुरा लेके जाने की कोशिश करेगा, लेके भी जाएगा। मेरा फॉर्चून की एनर्जी की है मुझे, मैं अभी इस पर्सन को इसलिए क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि आगे के कार्ड ऐसे हैं, जब पूरे कार्ड हो जाएंगे तभी मैं इस पर्सन को क्लीन चिट दूंगी जी। मैं वही बोल रही हूँ, बहुत सीक्रेटिव, कुछ बातें हिडन है गाइस। आप डेस्टिनी के नाम से खेला जाएगा, डेस्टाइन है, ये है, वो है, आप इमोशनल हो, इसीलिए इमोशंस का ही सहारा लेके ये पर्सन वापस आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। सीधे शब्दों में बता देती हूँ मैं, झगड़ा करेगा ये पर्सन, झगड़े की वजह कुछ सीक्रेट्स एजेंडा है, आपको शायद समझ में आ जाएगा, या फिर नहीं आता है तो अपने सीक्रेट्स एजेंडा इनके सक्सेसफुल नहीं अगर होते तो ये पर्सन आपसे झगड़ा करेगा। सन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे जी, मैं बोल रही हूँ ना, इसके साथ में ही कुछ गलत है, ये टॉक्सिक है ये पर्सन, इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये आपके साथ साथ थर्ड पार्टी को भी बहुत प्रोटेक्ट और बैलेंस डिफेंस करके डिफेंसिव मोड पर लेके चला चला जाएगा ये पर्सन, उसको भी लेके जाएगा, और ये आपको पता नहीं है, कुछ हिडन है, झगड़ा होंगे क्योंकि कुछ हिडन है, आपको पता है, रहता तो आपके साथ है, अपने इस लाइफ को आपके डेस्टिनी मानता है, आपके साथ रहता है, माफ़ी मांग ली, और इसके साथ भी कुछ ऐसी पर्सन की बातें चल रही है, इसके लाइफ में कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप है, आपको पता चलेगा। और जब आपको पता चलेगा कि भाई ये थर्ड पार्टी को भी लेके चल रहा है, तो ये बातें वहाँ से बिगड़ेगी, थर्ड पार्टी इसके लाइफ में रहेगी रहेंगी, सॉरी टू से यू गाइस। द मून की एनर्जी क्यों है इंजर, मैं वही तो बोल रही हूँ, वही तो इंजर, कितने बार बार आपको भी मैसेज दे रहे, सीक्रेट रिलेशनशिप है इस पर्सन के लाइफ में, हिडन रिलेशनशिप है। मैन ऑफ कार्ड्स की एनर्जी क्यों है इंजर, सुधरे नहीं है तो और भी कर्मा इनको मिलेगा। नाइन ऑफ वैंड्स, जी हाँ, ट्रस्ट इशू बिल्कुल मत, आप उसको क्या बोलते हैं हमारे मराठी में, भालना बोलते, भाड़ू नका, तो आप किसके बहकावे में नहीं आना है। ये बहुत अच्छा है जी हाँ, हेलो, ऐसा जैसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ बिहेव करेगा ये पर्सन, बट नहीं करना है आपको, इसके भोले चेहरे के ऊपर, इसके भोली हरकतों के ऊपर आपको नहीं फंसना है। स्टेबिलिटी देने की, जी हाँ, यहाँ पे फाइनेंस का ही चक्कर चल रहा है, जिम्मेदारी आ गई, थर्ड पार्टी आ गई भाई, आपके साथ रहते रहते थर्ड पार्टी के ऊपर भी काम होगा। फाइनेंस से, फाइनेंशियल हेल्प के लिए पर्सन आ रहा है, या तो फाइनेंस आप ज़्यादा डिमांड ना करें, या फिर उसको ज़्यादा फाइनेंस नहीं आपको देना पड़े, ऐसा कुछ तो चक्कर है, जिसका सीधा सीधा रिलेशन थर्ड पार्टी से भी जा रहा है, या फिर किसी के लिए मैसेज ये आ रहा है, ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहा है भाई अपनी मैरिज रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। बट मैं क्लीन चिट इसीलिए नहीं दे रही, क्योंकि आगे इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत गलत आई है, तो मैं नहीं दूंगी, बहुत
पॉइंट नॉर्ड में अगर मुझे लगता है कि किसी का पर्सन सच में अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहता है थर्ड पार्टी से निकल कर, बट मुझे नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी को भी साथ रखेगा, आपको भी साथ रखेगा, काम करेगा, क्योंकि अगर आपको छोड़ता है तो शायद उसको, और यहाँ पे कोर्ट होता है, आप जब बहुत ज़्यादा एलिमनी मांगते हो तो उसको वो भी नहीं देना है आपको, और आपको साथ नहीं भी रखना है, थर्ड पार्टी को भी साथ नहीं रखना है। आप वर्क कोली को आपका फाइनेंस अच्छा है और आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, बट उसको अपना वो नुकसान नहीं कराना है, या फिर आपका फाइनेंस अच्छा है, आपको छोड़ना मतलब इसको वो लॉस है, और थर्ड पार्टी को छोड़ना मतलब वो उसका इमोशनल लॉस है। बहुत कैलकुलेटिव पर्सन, अगेन जस्टिस की नजर आ गई। मुझे लगता है आप लोगों में से किसी का तो यहाँ पे डिवोर्स हो रहा है, फाइनेंस को लेकर ही डिवोर्स हो रहा है, ये पर्सन आपकी फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं, आप फाइनेंशियल नीड के लिए इस पर्सन के साथ जुड़ी हो, क्योंकि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए इसीलिए, बट अब ये पर्सन वहाँ भी उसको वो काम नहीं करना है, बस टॉक करके अच्छी अच्छी बातें करके जितना काम आप कर सकते हो उतना काम ये पर्सन आपसे निकलवा रहा है। आपको फाइनेंशियल नीड बहुत है, ये पर्सन नहीं देगा। आपका तलाक भी अगर होता है, आपका डिवोर्स भी होता है, तब भी मुझे लगता है कि आपको इतनी एलिमनी नहीं मिलने वाली। किसी का तो कोर्ट केस हो रहा है यहाँ पे, या फिर आपके पर्सन ने बोला है कि वो अपने फैमिली से को डिवोर्स देख के आपके पास आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अकेलापन आप ही को देखे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, झूठ बोल रहा है आपको। ये अपने एम्प्रेस, अगर उसके कहीं और शादी हुई है तो अपने एम्प्रेस को ये प्यार करने वाला ये पर्सन। आप एम्प्रेस हो तो भाई आप खुद ही अपने आप को प्यार देने में सक्षम हो जाएंगे, और ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में देख रही हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है आपको इकोनॉमिकली इस पर्सन से ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाली, उल्टा आपका इकोनॉमी को लेके जाएगा, उल्टा आपका अगर आप अच्छे हो इकोनॉमिकली तो आपका पैसा लेके जाएगा, और आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो तो आप ज़्यादा उम्मीद मत रखो। और ऐसा नहीं है, इकोनॉमी का कोई चक्कर ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई एक सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिससे आपको वापिस वो अकेलापन मिलेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसके लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन है। आपके साथ जितना काम निकलता है, जितना टाइम निकलता है, उतना निकलना, ऐसा कुछ सोच मुझे लगती है। आपको क्या करना चाहिए टॉपिक में ले लेती हूँ। जाकिन जे माइकल, मैं जानना चाहती हूँ अब मेरे दर्शकों को क्या करना चाहिए, जब इनको अपने पर्सन का सब कुछ पता चल गया है तो इनको क्या करना चाहिए। अपने पेंटेकस के ऊपर ध्यान दो, जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको उठाओ, आपके लाइफ की क्रिएटर आप हो, आप काफी हो अपने लाइफ, अपने हर विश फुलफिल करने के लिए आप काफी हो, आपकी लाइफ की क्रिएटर आप हो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लो। कुछ गलत लोग आपके सराउंडिंग है, उनसे बच के चलो, जो आपको अप्रोच कर रहा है उसकी एनर्जी थोड़ी निगेटिव हो सकती है। जो डिटैच करना सीखे लोगों से, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, अगर आप लोगों को डिटैच नहीं करते तो लोग यही पेन आपको वापस देंगे, यही दर्द, जो पर्सन आपके साथ जुड़ा है, जिसने आपको अब तक इतना बर्डन दिया है, इसी पर्सन को आप आगे भी कैरी करते हो, उसको अलो करते अपने लाइफ में, तो भाई ये पर्सन आपको यही देगा। एंटिटी बनना है आपको, बहुत एंटिटी, स्ट्रांग पावरफुल लेडी बनना है, स्ट्रांग पावरफुल पर्सन आपको बनना है। आपकी इंट्यूशन को पता है, आपको कोई लेडी गाइड कर रही है यहाँ पे,
उसकी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। या आपकी माँ हो सकती है, कोई ऐसी लेडी है, आपकी गुरु हो सकते हैं, ऐसी कोई लेडी है जिसके आप सलाह लेते हैं, वो लेडी आपको अच्छा गाइडेंस देगी। कुछ बातें हिडन है, कुछ बातें सीक्रेट है, या फिर कोई ऐसा ऐसी पर्सन भी है। एक अच्छी लेडी की वाइब आ रही और एक ऐसी लेडी की वाइब आ रही कि कुछ आपके ऊपर कोई कर रहा है, ऐसी एक लेडी की वाइब आ रही। मैजिशियन हाई प्रिस्टेस का एनर्जी यहाँ पे, आप अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हों तो आप अपने लाइफ में आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा बिजनेस आपको मिलने वाला है, इसके ऊपर आप फोकस करो। गलत लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको हमेशा बार बार आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके लाइफ में आएंगे, बट आपको बहुत सोच समझ कर अपने लाइफ का डिसीजन लेना है। पेंटेकल्स के आपके लाइफ में आगे कुछ कमी नहीं होने वाली है, जितने भी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ रहेंगी आप उसको बड़ी आसानी से आप पार कर लेंगे। हर जिम्मेदारी को आप ड्यूटी समझ कर पार करेंगे, बोझ समझ कर नहीं, ड्यूटी समझ कर पार करेंगे, क्योंकि आप वो पर्सन हो कि आप जो कुछ चाहते हो वो पा लेते हो, बट जब बात इमोशंस की आती है तो आप इस तरीके से टूट जाते हो, तो अपनी पावर क्या है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप सब कुछ भूल जाते हो। ये आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही किसी डेविल, जो आपको पता है कि पर्सन गलत है, आपके साथ खेल रहा है, आपके साथ धोखा कर सकता है, और उसके बावजूद भी अगर इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में अलाउ करते हो, तो देखिए गाइस, ये पर्सन आपको तो ये दर्द देने वाला है, ये वापस आपको डिटैच करके जाने वाला है, वापस आपको पेन दे के जाने वाला है। तो इंटीट्यूटली आपको ये सारी बातें पता करनी है और आपको रहना है। आपके लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है गाइस, आपको इंटीट्यूटली शायद पता है कि आपके लाइफ में नए की एंट्री हो रही है, जो जिस नए की एंट्री हो रही है वो आपका सोलमेट है, और कोई पुराना वाला ही आपके लाइफ में आपको अप्रोच कर रहा है, जिसके साथ अभी भी आपकी लाइफ में इतनी अनबन चल रही है, तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि उनकी करंट एनर्जी में हमने देखा है, नेक्स्ट सेक्शन में भी देखा है, और यहाँ पे भी बात आ रही कि किसी डेविल से आपको सावधान रहना है। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी देंगे, आपको एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है गाइस, आपने अच्छा किया है, इसका कर्म आपको मिलने वाला है, तो आपको पेंटेकल्स की कोई कमी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, अपनी जिम्मेदारी बड़ी आसानी से आप निभाएंगे, और हो सकता है ये जिम्मेदारी आपको बहुत अच्छा स्टेबल फाउंडेशन भी देगी। आप अगर आपने कोई काम शुरू किया है, वर्कलोड आप पे बहुत बढ़ने वाला है, बट उस वर्कलोड से आपको काफ़ी अच्छा अबंडेंस भी मिलने वाला है, फाइनेंशियल गेन आपका होने वाला है, एक स्टेबल फाउंडेशन आप खुद में ही पा लेंगे, आपको अपने लाइफ में स्टेबल रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक स्टेबल रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा है। क्यों बोला मैंने ऐसा कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है, वही आ रहा है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वही आ रहा है जिसको आप सोच रहे, वही आ रहा है जिसके साथ आप एक फैमिली चाहते थे। अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है तो भाई ये पर्सन कोर्ट मैटर सब कुछ करेगा, बट यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि एंजल की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। भले ही आपका फ्यूचर थोड़ा बर्डन वाला है, बहुत ज़्यादा आपको उठाना पड़ सकता है, बर्डन उठाना पड़ सकता है, हेवी हो सकता है आपका लाइफ थोड़ा, बट यहाँ पे जस्टिस आपको मिलने वाला है, आपको स्टेबल फाउंडेशन मिलने वाला है। इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है और आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, तो ये पर्सन वापस आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, अगर ये पर्सन वापस आता है तो एक स्टेबल फाउंडेशन में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप थोड़ा समझदार रहिए, क्योंकि एक डेविल एनर्जी यहाँ पे हिडन यहाँ पे मौजूद है। बस आपने इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लिया, आपने इसके ऊपर थोड़ा उसको अपने इंटेलिजेंस से आपने थोड़ा उसको हैंडल कर लिया ना, अपनी बुद्धिमत्ता से, तो चीज़ें आपके फेवर में है। बट अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी तो ये चीज़ें आगे गलत है। एस ऑफ फैंस के एनर्जी को हैंजल, अगर कोई कोर्ट के लिए भी कोई बोल रहा है ना गाइस, तो कोर्ट का फेवर आपके साथ होने वाला है जी, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, या फिर आपको बैलेंस करने के लिए नया रिश्ता आपके पास आ रहा है। अगर आप कोर्ट के लिए आप कुछ चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए, तो यस, डिवोर्स होने के बाद मुझे लगता है आपके लाइफ में कोई ऐसा नया पर्सन आ रहा है। अगर आप इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू कर रहे तो थोड़ा समझदारी से काम लो जी। मैं वही तो बोल रही हूँ, टेन ऑफ कप अगेन टेन ऑफ पेंटेकल्स नाइन ऑफ कप, वही विश फुलफिल वाला रिश्ता, वो प्यार, वो फैमिली आपको मिलने वाली है जो आप सोच रहे। एक पल गिव एंड टेक मिलेगा इस रिश्ते में आपको, जो पहले कभी नहीं हुआ था।
कोई गलत पर्सन है जिस आपका आपका जी 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 ओ माय गॉड। अब देखिए क्या मैं बोलूं, डेविल लवर एंड एट ऑफ हैंड्स, किसके साथ बातें हो रही हैं आपकी, प्यार भरी बातें। यहाँ पे किसी का नया पर्सन तो अच्छा है, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे वाइब आ रही है कि जिसके साथ भी आपकी बातें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर आपने इस रिश्ते को फिजिकल लेवल पर आके लेके गए हो आप, तो और आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करेगा, मुझे डाउट है। क्योंकि ये पर्सन सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए आपके पास है, ये पर्सन इस रिश्ते को आगे एक सेक्सुअल डिमांड के ऊपर ही लेके जाने के लिए बोलेगा, फोर्स करेगा आपको, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ फिजिकल होना है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना प्यार से ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, या फिर जो पर्सन आपको अप्रोच करेगा वो शायद शादी की बात बात नहीं करेगा, बट फिजिकल होने के लिए आपको पहले बोलेगा। या फिर आप कई और मैरिड है, तो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप का बेस सिर्फ एक सेक्सुअल डिज़ायर है, नेट ऑफ फ्रेंड्स के एनर्जी क्यों है जब। एंड के बाद नई शुरुआत, मुझे लगता है जिनको ये रिश्ता आगे लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो लेके जा सकते हैं भाई, और जिनको चाहिए कि नहीं हमको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, तो शायद आप में से काफ़ी लोग आपको एंड करना चाहिए इस रिश्ते को। अगर आप आपके लाइफ में वो सन चाहते हो, खुशियाँ चाहते हैं, तो एंड करना चाहिए। अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिश्ते को, अब इसमें कौन बैठता है, इस एनर्जी में कौन बैठता है, उन्हीं को लेना है, फिर ये मत बोलना कन्फ्यूज हो गई, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव की एनर्जी हो रही है, तो किसके साथ ये सिनेरियो हो सकता है, इसलिए मैं हर कार्ड को लेकर तीन तीन चार चार कार्ड लेकर हर एक की स्टोरी बताने की कोशिश करती हूँ। ये भी नहीं सोचती कि रीडिंग कितनी बड़ी हो रही है, तो प्लीज़ इस एफर्ट को आप अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको एंड करना चाहिए इस रिश्ते में, फिर आपको एक नया प्रपोजल आ रहा है जो आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस ला रहा है। अगर आप इसको एंड नहीं करते हैं, इसका एंड करते हैं, जो आ रहा है उसका एंड करते हैं, उसको अप्रोच नहीं करते, फिर ये बात ही हो रही है। बट बोल क्या रहे एंजल आपको, इनको एंड करना है और जो आ रहा है उसको अलो करना है, फिर ही आपको ये देगा। अगर डेविल एनर्जी हटा दो तो फिर एनर्जी अच्छी है। ये पर्सन मुझे लगता है कोई हो रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है किसी के ऊपर ना सेक्सुअल स्पेल हो रहा है यहाँ पे, या तो आपके ऊपर हो रहा है या तो आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है, तो हो रहा है भाई किसी के ऊपर, आप नहीं चाहते बट शायद आप मजबूर हो जाए, यू नो सोर्स क्या करना चाहिए, फंस जाएंगे आप। अगर ऐसा कोई स्पेल हो रहा है ना उसका एंड करो, नहीं तो देखिए क्या होता है चीज़ें। देखिए ये पर्सन वापस आपको स्टक करके जाएगा, ये डिटैच करेगा आपको, किसी हालात में किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं, वेटिंग जोन पर ये पर्सन डालेगा, ये पर्सन ऑनलाइन ही गायब हो जाएगा। अगर ये पर्सन आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो ना, तो थोड़ा संभल कर जाइए भाई, ये पर्सन उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, आप थोड़ा निगाह रखो, सर्च करो, अंधाधुंध में आकर आपको कोई फैसला नहीं लेना है। वापिस है बर्डन, शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, बर्डन से वापिस है बर्डन, ये चेट धोखा बिट्रेल आपके लाइफ में होगा, गड़बड़ तो यहीं से हो रही गाइस, जब से आप डेविल को, अगर आप डेविल के साथ अच्छे से ऐसे लेके चलेंगे ना, तो फिर तो पूरी बजी पड़ेगी लाइफ की, सॉरी टू से यू, आपको अलर्ट करना ज़रूरी है इसलिए बोल रही हूँ, फिर यही मिलेगा लाइफ में, ये बर्डन तो उठा भी लेंगे, बट इस धोखे का क्या करेंगे जो मरने के लिए छोड़ के जाएगा। सोर्स यार, यहाँ पे ये पीठे पीठ पीछे डाल के जा रहा है, यहाँ पे पीठ पीछे 10 कम पड़ गए तो ये 2 और दे के जा रहा है, और ये 12-12 सोर्स का आप बोझ उठा के जा रहे हो। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी क्या है, चला जाएगा ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस करके चला जाएगा। इंटीट्यूली अगर आप इन सारे बातों को हैंडल करते हो ना अच्छे से, इंटीट्यूली मतलब कुछ गलत होने से पहले, तो मुझे एक तो
एक तो ऐसे तलवार मेरे अंदर तो घुसा के तो देखा, फिर तुझे देखती हूँ। इस अलर्टनेस में अगर आप रहते हो ना, फिर क्या मिलता है इस रिलेशनशिप में आपको? एक सोलमेट की एंट्री होती है लाइफ में। सोलमेट की एंट्री यहीं पे हो रही है, बट गड़बड़ आप कहाँ पे कर रहे हो। सोलमेट की एंट्री होती है, सोलमेट सब कुछ करता है। अगर पास्ट वाला भी आपके लाइफ में आता है, एक कोई डेविल पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, ये पास्ट वाले को ये नहीं, ये आपको पर्सनल रीडिंग लेकर पता चलेगा। यहाँ पर जनरल में तो आपको इतना बता नहीं सकते, बट इतना मैं बता सकती हूँ कि ये बात आपके साथ हो सकती है। तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, सब कुछ स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। सब कुछ देंगे भी एंजल आपको, बट आपके झोले में एंजल डालेंगे और कोई और लेके जाएगा, फिर इसमें एंजल भी क्या करेंगे। भैया ये भी एक भी रीडिंग एक घंटे की हो गई। चलो अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज एंजल्स टेल मी। आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे? नो नीड टू वरी। जहाँ बहुत टेंशन में हो जाते हैं ना, इसलिए मुझे लेना, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको डाउट है, बोलना सीखिए। अब तक आप चुप रहे, तब भी आपको पेन ही हुआ है, तब भी आपको धोखा ही मिला है, तो भाई बोलती ही बातें कीजिए ना। वेट ईयर फ्रॉम नाउ, इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहते हैं आप तो एक साल लगेगा, और 10 महीने तो इनको धोखा देने में लगेंगे। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो जी। बहुत आसान है एंजल बोलना, मेरे दर्शकों के लिए बहुत मुश्किल है। चूज न्यू डायरेक्शन जी, मुश्किल है तो बोले न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए। सही सही बात करते हैं, पॉजिटिव रहिए जी। इतना मुश्किल हो रहा है तो भाई नई डायरेक्शन चूज कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए। रोमांस लाइफ में आ रहा है, चलो एंजल भी हमारे हमें थोड़ा हल्का फील करवा रहे हैं। यस आ रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपको, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप इंट्यूटिव हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला ना इन्फॉर्मेशन निकालो। एक्स नेक्स्ट कोई भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन निकालो, एनर्जी चेकअप करो उसकी, इसकी हिडन इंटेंशन क्या है, सीक्रेट एजेंडा क्या है इसका, कहीं और कुछ है तो नहीं, कोई रिलेशनशिप हिडन तो नहीं कर रहा है, क्या हिडन कर रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। एनर्जेटिकली भी निकालो, फिजिकली भी निकालो, अपने फ्रेंड्स के, अपने पर्सन से, जानने पहचानने वाले लोगों से, सबसे इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, तभी किसी कमिटमेंट में जाओ। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी? डेफिनेटली बोलना, अगेन 1 घंटे की एनर्जी हो गई है। मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।